नमस्कार दोस्तों, वेवन बिधरियों में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलो वेस्ट आंदोलन के बारे में। काफ़ी चर्चा में रहा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये किसी और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट पीएससी हो या और कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कई तथ्य हैं जो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। विश्व के अनेक समस्याओं में वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग आज की एक ज्वलंत समस्या है। इसका तात्कालिक समाधान तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दायरे में रखना है। इसके लिए हर देश अपने स्तर पर प्रयासरत है और जीवाश्म ईंधन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक जैव ईंधन व हाइड्रोजन जैसे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं। कई देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के घटाव के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर हाइड्रोकार्बन या ग्रीन टैक्स भी आरोपित कर दिए हैं या कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का कार्बन कर हाल ही में फ्रांस ने भी अधिरोपित किया, मतलब इसको कम करने के लिए क्या लगाया, कार्बन टैक्स लगाया। किसने लगाया, फ्रांस ने लगाया, जो विगत 12 माह में 23% से अधिक तक बढ़े और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत घटने पर भी फ्रांस के लोगों को राहत नहीं मिली। इस कर बढ़ोतरी से तेल और महंगा हो गया और इसके खिलाफ पहले सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं हुई और यह प्रतिरोध 17 नवंबर 2018 से आरंभ होकर एलो वेस्ट या एलो जैकेट मूवमेंट में तब्दील हो गया। क्लियर हो बात, कहां से कहां कनेक्शन हो रहा है, ये पूरी लाइन समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तब्दील हो गया और पेरिस से लेकर छोटे कस्बे समेत पूरे देश भर में फैल गया। इसमें हिस्से लेने वालों ने पीले रंग का जैकेट पहना हुआ था जिसे फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से पहना जाता है। फ्रांस में एक कानून जो 2008 में बना उसके अनुसार वाहनों में इस तरह का जैकेट रखना अनिवार्य है ताकि गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो इसे पहनकर उतरा जाए। प्रदर्शनकारी ये जैकेट अपनी मांगों और समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए संकेतिक रूप से पहने हुए थे। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेल की बढ़ी हुई कीमत को वापस लिया और न्यूनतम मजदूरी को 100 यूरो तक बढ़ाया, तब जाकर प्रदर्शन में कमी आई। अब बात करते हैं ये आंदोलन उठा क्यों। यह आंदोलन मुख्यतः मध्यम वर्ग का आंदोलन था जिसकी आय वस्तुओं सेवाओं की कीमत के बढ़ने के अनुपात में नहीं बढ़ती है। यहाँ आय विषमताओं की विद्यमानता रहती है और सरकार की एक प्रतिकूल नीति वर्ग संघर्ष को हवा देती है। यही स्थिति फ्रांस में भी देखने को मिली। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्रमोट करते हुए पेट्रोल डीजल पर टैक्स अधिरोपित कर दिया। यहाँ के लोगों के पास बोनस दिए जाने के बाद भी ई कार के लिए विक्रय शक्ति नहीं थी। दूसरी तरफ आय अधिक होने से तेल की कीमतों में वृद्धि का अमीरों पर कोई असर नहीं पड़ा। दुनिया के अन्य देशों की तरह यहाँ पे भी अमीर और गरीब की आय जस की तस बनी हुई है। कहने का मतलब यहाँ पे अमीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीब की स्थिति जो है बिगड़ती जा रही। गरीबों को जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा, अमीर उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। अमीरों को फायदा हो रहा, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा, जिसके कारण क्या हो गया, गरीब होने लगा अमीर, ठीक है। अमीर होने लगा गरीब। फ्रांस के एक नियम के अनुसार किसी कंपनी के लिए काम करने वाले शहरी को तो ऑफिस आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया मिलता है, जबकि जो लोग शहर से बाहर रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने पर उन्हें अपनी गाड़ी से आना जाना पड़ता है और उन्हें ऐसा कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। दरअसल फ्रांस में डीजल के दाम पिछले 12 महीने में 23% से अधिक बढ़े। वैश्विक स्तर पर तेल के दाम घटते बढ़ते रहे हैं, लेकिन फ्रांस में लोगों को राहत नहीं मिली क्योंकि मैक्रों की सरकार ने तेल पर हाइड्रोकार्बन टैक्स बढ़ा दिया था। क्यों राहत नहीं मिल रहा था, क्योंकि हाइड्रोकार्बन टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। एलो वेस्ट आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन है, यानी इसका कोई नेता नहीं है। फ्रांस के लोग अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग है, इसीलिए आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था जो पेरिस से आरंभ होकर फ्रांस के गांवों तक पहुंच गया, ठीक है। इसका समाधान क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा कर का ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिससे कमजोर वर्ग पर भी दबाव न बढ़े और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करके पर्यावरण को भी बेहतर कर सके। अमीर लोगों पर एयर फ्यूल टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता, आयातित सामानों को लाने वाले शिप की ईंधन पर टैक्स अधिरोपित की बात नहीं होती, इसी एक तरह से गैर बराबरी का व्यवहार कहा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे जगह टैक्स लगाइए, अमीरों पर टैक्स लगाइए जिससे कि जो है समता का भाव पैदा हो सके। समता का भाव प्रकट नहीं हुआ, इसी वजह से फ्रांस के जो नागरिक हैं वो काफ़ी जागरूक होते हैं, उन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिया।
पीले जैकेट पहन के आंदोलन करते थे, इसलिए क्या कहा गया, इसे येलो वेस्ट आंदोलन के नाम से जाना गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स कोई डाउट्स बनता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम येलो वेस्ट से संबंधित जो भी डाउट्स होगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी जो है वेवन विधारी होम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें फेसबुक पे वेवन विधारी होम वाले पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452936338 पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं हमसे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।